आपको खबर दे, रावलपिंडी राजा बाजार में मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने कार्रवाई करते हुए कदीम मंदिर में कायम कमर्शियल यूनिट सील कर दिए हैं। शिला जान लेते हैं सवा के नुमाइंदे यासिर हकीम से। यासिर, क्या मतरूका वक्फ इमलाक मजीद भी कार्रवाइयां करेगा? देखें जवाब, आज मतरूका वक्फ अमलाक ने लाल हवेली दमदमा मंदिर समेत रावलपिंडी में तीन मुख्तलिफ मकामात पर ऑपरेशन करना था। तीनों ऑपरेशन अब कम्प्लीट हो चुके हैं और दमदमा मंदिर की जो 54 मरले की राजी थी उसको भी वैकू ट्रस्ट के अमला ने अब से थोड़ी देर कबल सील की है। इस राजी का कुछ हिस्सा कमर्शियल यूनिट्स पर मुश्तमिल था जिन्हें सील करके दुकानें खाली करा दी गई हैं, जबकि जो रिहायशी एरिया था इस दमदमा मंदिर का, वहां पर मौजूद रिहायशियों को फौरी तौर पर अपना सामान मुंतकिल करने और जगह खाली करने की हिदायत की गई है और मुमकिन तौर पर आज सुबह तक ये एरिया खाली होने के बाद इसे भी सील कर दिया जाएगा। मुमकिन तौर पर एरिया खाली होने के बाद इसे भी सील कर दिया जाएगा। यासिर, आपका शुक्रिया तफसीलात बताने के लिए। सिला जान लेते हैं सवा के नुमाइंदे यासिर हकीम से। यासिर, क्या मतरूका वक्फ इमलाक मजीद भी कार्रवाइयां करेगा? देखें जवाब, आज मतरूका वक्फ अमलाक ने लाल हवेली दमदमा मंदिर समेत रावलपिंडी में तीन मुख्तलिफ मकामात पर ऑपरेशन करना था। तीनों ऑपरेशन अब कम्प्लीट हो चुके हैं और दमदमा मंदिर की जो 54 मरले की राजी थी उसको भी वैकू ट्रस्ट के अमला ने अब से थोड़ी देर कबल सील की है। इस राजी का कुछ हिस्सा कमर्शियल यूनिट्स पर मुश्तमिल था जिन्हें सील करके दुकानें खाली करा दी गई हैं, जबकि जो रिहायशी एरिया था इस दमदमा मंदिर का, वहां पर मौजूद रिहायशियों को फौरी तौर पर अपना सामान मुंतकिल करने और जगह खाली करने की हिदायत की गई है और मुमकिन तौर पर आज सुबह तक ये एरिया खाली होने के बाद इसे भी सील कर दिया जाएगा। मुमकिन तौर पर एरिया खाली होने के बाद इसे भी सील कर दिया जाएगा। यासिर, आपका शुक्रिया तफसीलात बताने के लिए।